फॉर द व्हाट्सएप चैनल द वंडर स्टेडियम, जिसको द बुल रिंग भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं थोड़ी देर में समझाऊंगा आपको मैं। इस वेन्यू के ऊपर 20 जनवरी को मैच हुआ था रिसेंटली, जोबर्ग सुपर किंग्स बनाम प्रिटोरिया कैपिटल्स का मैच था, जिसके अंदर पहली जीत मिली थी जोबर्ग सुपर किंग्स को। हुआ क्या था, प्रिटोरिया कैपिटल्स आती है 167 बनाती है, 168 का टारगेट देती है 168 का, 9 विकेट के नुकसान पे। फिर होम टीम जोबर्ग सुपर किंग्स चेस करने आई, इन्होंने टारगेट चेस कर लिया 6 विकेट से। बहुत अच्छी पारी थी वहां पर धनोवन फरारिया की, मोइन अली ने अच्छा साथ दिया, लुइस डुप्लॉय भी थे, तो ये पिछले मैच में कहानी रही इनकी। फिर इससे पहले 243 बना 5 विकेट के नुकसान पे, जो टीम चेस करने आती है 145 पे रुक जाती है। 201 बना जो टीम चेस करने आई 95 पे रुक जाती है, 220 बना जो टीम चेस करने आई 213 पे रुक गई, 135 बना 137 टीम ने बना दिए चेस करते हुए, 153 बना टीम 124 पे रुक गई। इट्स ए हाई स्कोरिंग वेन्यू। क्यों, ये जो स्टेडियम है ना, ये 6000 फीट ऊपर है समुद्र के लेवल से, सी लेवल से। तो क्या होता है भाई साहब, क्या है लफड़ा, ये ऊपर है तो क्या करें हम, मैं बताता हूँ। अगर कोई स्टेडियम ऊपर होता है, स्थित होता है, तो बॉल वहाँ पे ट्रैवल करती है, बॉल तो हर जगह ट्रैवल करती है, बट यहाँ पे जो हवा की डेंसिटी होती है, घनत्व होता है, वो कम होता है। तो जो बॉल को रोकने वाली चीज़ होती है ना, एयर डेंसिटी, वो कम रहती है, जिस वजह से बॉल बहुत ईजिली ट्रैवल करती है और दूर चली जाती है बॉल, 10 से 15 मीटर का फर्क पड़ता है। जी हाँ, जो बॉल बाउंड्री पे कैच आउट होनी चाहिए ना, वो बॉल जाती है 3-4 रो पीछे, ये फायदा होता है। जो बॉक्स सुपर किंग्स का होम ग्राउंड है, ये इस ग्राउंड को अपना फेवरेट मानते हैं और 7 में से 5 मैचेस जीते हैं। इस ग्राउंड को किला बनाना चाहते हैं, ये फोर्ट्रेस बनाना चाहते हैं। और पाल रॉयल्स यहाँ पे एक मैच खेली, उसके अंदर इनको हार मिली थी। बैटिंग फर्स्ट 8 मैचेस जीते गए। फॉर्मूला क्या होता है इस वेन्यू का, बैटिंग फर्स्ट करो, बहुत बड़ा स्कोर बना दो, सामने वाली टीम प्रेशर में आ जाती है और कोलैप्स हो जाती है। ये देखा गया, चेस करने वाली टीम यहाँ पर जीती है 6 मैचेस 14 में से। तो ऐसा नहीं है कि चेस करने वाली टीम हर बार हारती हो, बट मैं आपको एक थ्योरी बता रहा हूँ क्या होता है आमतौर पर। प्रति ओवर 9 के आसपास रन बनते हैं। जो लास्ट मैच था जेएसके वर्सेस पीसी का, उसके अंदर 9 विकेट पेसर का था, 4 विकेट स्पिनर्स का था। ओवरऑल विकेट कॉलम, लास्ट 14 मैचेस के अंदर पेसर्स ने 115 विकेट निकाला है, पहली पारी में 61, दूसरी पारी के अंदर 54। राइट आर्म पेसर्स का 94, लेफ्ट आर्म पेसर्स का 21 विकेट है। स्पिनर्स की बात करें तो 74 विकेट से स्पिनर्स भी यहाँ पे गेम में आते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ग्राफिक्स के थ्रू आपको समझाऊंगा मैं। पहली बारी में 30 स्पिनर्स के, दूसरी बारी के अंदर 44 विकेट है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स 32, लेग स्पिनर्स 13, चाइनामैन 14, ऑफ स्पिनर्स का 15 विकेट है। अब चलते हैं किसकी तरफ, पिचेस की फोटोज की तरफ। ये लास्ट मैच के पिच की फोटो मैंने निकाल के रखी थी आप लोगों को दिखाने के लिए, काम मेरा भाई साहब यही है, बस बेस्ट टीम आपको मिल जाए, कोशिश तो वह रहती है, डेटा तो नंबर। सो यहाँ पे आपको स्पिन देखने को मिलने वाला अच्छा खासा, लास्ट सीजन में इतना स्विंग स्पिन देखने को मिला था आपको 7 डिग्री के आसपास, और थोड़ी सी बॉल यहाँ पे नीचे भी रहती है कई दफ़ा। और आप देखते हैं जो अपना जॉनिस बक का विकेट है वंडरर्स, ये सेकेंड स्लोएस्ट पिच है, इतनी भी स्लो नहीं है, मतलब इसमें रहता है बाउंस, ऐसा नहीं है, बट थोड़ी सी हल्की सी धीमी पिच रहती है एज कम्पेयर टू डिफरेंट वेन्यू, सुपर स्पोर्ट्स पार्क, किंग्स मैड, सेंट जॉर्ज, न्यूलैंड से थोड़े बढ़िया विकेट्स होते हैं। सामने की बाउंड्री 79 मीटर्स थी लास्ट मैच में, स्क्वायर आपको 55 और 67 मीटर्स की देखने को मिली थी। और ये जो स्टेडियम को क्यों बुल रिंग कहा जाता है, ये जो स्टेडियम के स्टैंड्स है ना, ये 2nd-3rd floor के ऊपर होते हैं, ठीक है। ये देखो आप, ये हो गया नॉर्मल स्टैंड्स यहाँ का, ये देखो 1st floor, 2nd floor, 3rd floor। तो जो स्टेडियम की मैच देखने का जो नज़रिया होता है फैंस का, वो डिफरेंट होता है यहाँ पर। आमतौर पर इतने ज़्यादा फ्लोर्स आपको स्टेडियम्स में देखने को नहीं मिलते, तो यहाँ पे एक अलग वाइब्स आती है, ऐसा लगता है आप, मतलब आप कुछ सोचो, आप एकदम ऊंचाई से किसी को मैच, नीचे से एकदम ऐसे ऊपर से ऐसे मैच देख रहे हो, तो आपको एक अलग ही वाइब्स आएगी। इस वजह से स्टेडियम को बुल रिंग कहा जाता है, क्योंकि आपको एक नीचे पूरा रिंग व्यू मिलता है एकदम ऐसे देखते टाइम, ये भी एक रीज़न था इसका। और ये देखो आप स्टेडियम का व्यू, पिंक डे होता है तब ऐसा स्टेडियम दिखता है। ये रिसेंटली हुआ था इंडिया वाले मैच के अंदर, ये स्टेडियम का ड्रोन व्यू है, ये देख सकते हैं आप। ये स्पेशल पिच रिपोर्ट है, कैसी लगी कमेंट करके बताना मेरे को, चैनल पर सब्सक्राइब कर लो, घंटी बटन दबा दो। स्पिन वाला नहीं बताया यार आपको मैंने, स्पिन परसेंटेज कितना हुआ है सीजन के अंदर, वेट ए मिनट। तो ये जो डेटा की बात कर रहा था ये मिस हो गई थी, बट मेरे को पता था कुछ मिसिंग हो रहा है वीडियो के अंदर, स्पिन वाला फैक्टर। इस सीजन के अंदर एवरेज टर्न देखो, केप टाउन पे 3.5 डिग्री हुआ है, जोहान्सबर्ग के ऊपर 3, सेकंड
टर्निंग वाला वेन्यू है ये सबसे ज्यादा टर्न वाला, बट इसका मतलब ये नहीं ज्यादा विकेट्स गिर रहे हो। आप केप टाउन का विकेट उठा के देख लो, वहाँ पे स्पिनर्स को विकेट्स मिलते ही नहीं है। जोहान्सबर्ग पे जरूर मिलता है, अभी आपको मैंने डेटा बताया था 77 विकेट्स मिले हैं 74 पेसर्स को 115, तो इस विकेट पे मेरे को लग रहा है स्पिनर्स गेम में आ सकते हैं।